हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर लेकर के आया हूं, जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को जी रहे हैं और खुशहाल पूर्वक हैं, और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हुए हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों शेयर पर, जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। अबाउट, इसका मतलब कि इसके बारे में जानते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2007, यानी कि 2007 का कंपनी है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड प्रोवाइड एन ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कैरिंग आउट ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट फॉर फिजिकल। तो इसका बिजनेस है इलेक्ट्रिक से संबंधित। चलते हैं कुछ मुख्य डाटा पर। इसका मार्केट कैप 11,820 करोड़ का, करेंट प्राइस 133 रुपया, जो कि अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा ऊपर पर ट्रेड कर रही है। 52 वीक का हाई लो 165 रुपया और 116 रुपया। स्टॉक पी 39.6, बुक वैल्यू 8.80, डिविडेंड यील्ड 0.75, ROC 51.8%, ROE 39.4%, फेस वैल्यू 1 रुपया। तो काफ़ी अच्छा शेयर है, कमाई भी अच्छा खासा कर रही है। ये डाटा देखने से तो यही पता चल रहा है। आगे चलते हैं। इसका प्रोज और कॉन्स देखते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। कंपनी हैज़ डिलीवरेड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.1% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स, ROE 43.7%। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 48.6%। कौन सी, इसमें दो ही हैं, जो कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 15.1 टाइम इट्स बुक वैल्यू, यानी कि 15 गुना पर ट्रेड कर रही है। वर्किंग कैपिटल डे हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम -343 दिन टू 87 दिन। तो ये एक दो बैड है, यानी कि अवगुण है, बाकी ये बात 4 गुण है इसमें। आगे चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो जून 2023 का क्वार्टरली रिजल्ट इस प्रकार है। 104 करोड़ का सेल्स किया, एक्सपेंस यानी कि खर्च 22 करोड़ का, 82 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 99 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें भी अदर इनकम 23 करोड़ का कर चुका है, नेट प्रॉफिट 74 करोड़ का, EPS 0.83%, मतलब कि पैसा 83 पैसा। और TTM देखते हैं, लास्ट 12 मंथ का 407 करोड़ का सेल्स किया, 70 करोड़ का एक्सपेंस, 337 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 298 करोड़, जिसमें कि 81 करोड़ का अदर इनकम है, EPS 3.33 रुपया। तो ये भी देखने से अच्छा ही है इसका रिजल्ट। बैलेंस शीट देखते हैं तो 695 करोड़ का इसके पास रिजर्व है, जबकि शेयर कैपिटल 89 करोड़ का है। और इन्वेस्टमेंट 1204 करोड़ का कर चुका है, टोटल एसेट 1439 करोड़ का, कैश फ्लो माइनस में है 167 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो
प्रमोटर के पास में कुछ भी नहीं, एफआईआई के पास में 17.28%, डीआईज के पास में 21.11%, पब्लिक के पास में 61.33%, अदर 0.28%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो 16,32,597 इतना शेयर होल्डर्स है। इसमें एक न्यूज है जो कि 17वीं एनुअल जनरल मीटिंग 5 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुआ था, वीडियो एंड ऑडियो विजुअल मीन्स, जिसका कि लिंक नीचे में इस प्रकार है। तो धन्यवाद दोस्तों।